हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश लिटरेचर क्लास. आई एम योर इंग्लिश लिटरेचर टीचर सुनीता राठौर, एंड टुडे वी विल स्टार्ट पेज नंबर 66. ठीक है, ऑफ चैप्टर नंबर 2. ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 66 स्टार्ट करेंगे. और हम जो है स्टार्ट कर चुके थे सेकंड जो हमारा चैप्टर है. इन डैट हमने पढ़ा कि लक्ष्मी को जो है घर छोड़े हुए 5 ईयर्स हो गए थे. ठीक है, एंड सबको पता था कि लक्ष्मी है तो उदयपुर में, बट रियली ये नहीं पता था कि वो कहाँ पर है. ठीक है, एंड कंवरानी सा वॉज वेरी वरीड अबाउट लक्ष्मी. कंवरानी सा भी बहुत लक्ष्मी को लेकर जो है वरीड थी. ठीक है, बट वो इस बात से सेटिस्फाइड थी कि शी वॉज इन उदयपुर. ठीक है, उदयपुर में ही है. फिर उसके बाद में हमने देखा कि अब विजय बड़ी हो चुकी थी. गीता के एक बेटा विक्रम भी हो चुका है. ठीक है, सीता भी बड़ी हो गई है. सीता भी जो है विजय के साथ खेलती है. ठीक है, और विजय जो है विजय भाईसा जो है वो सीता के लिए बोलती कि अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो ये स्कूल क्यों नहीं जा सकती. सीता तुम स्कूल चलो, बहुत फन होगा इस तरीके से. ठीक है, लेकिन सीता चुपचाप एक कोने में जो है सर्दी के मारे बैठी हुई होती है. और कमरानी सा जो होती है वो अपने भाई से मिलने के लिए जो है गई हुई होती है. विजय भाई सा वोंट प्ले विथ यू, सेड चंपा आस्किंग द गर्ल सी गर्ल बट सीता कैप्ट ऑन सिटिंग एंड डिड नॉट मूव. ले विजय भाई सा तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगी, चंपा ने जो है हाथ हिलाते हुए कहा. और सीता चुपचाप जो है बैठी रहती, हिलती भी नहीं है. द मेड स्कोल्डेड सीता, इवन स्लैप्ड हर टाइम्स, बट दे लव्ड एंड केयर्ड हर. हाँ, अब नौकरानियाँ जो है कई बार सीता को डांटती भी थी, थप्पड़ भी मार देती थी कई टाइम पर. ठीक है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसकी देखभाल करती थी. दे हिड हर इन देयर आस्कर्ट्स व्हेन विजय वॉज इन बैड टेम्पर टू प्रोटेक्ट हर. कई बार जब विजय को गुस्सा आता था तो वो सीता को छुपा भी लेती थी. इट वॉज ओनली वेन सीता वॉज डिफिकल्ट डैट दे रिमाइंडेड हर डैट शी वॉज मदरलेस एंड अगली एंड द दे वर नॉट पेड टू डू हर वर्क. वो तो जब सीता जिद करती थी तब वो कहती थी कि है ना वो बिना माँ की है, बद दिखने में बुरी है, और उसका काम करने के लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं. इन स्पाइट ऑफ सीमिंग हार्शनेस दे इंडल्ज हर. हालांकि इतने बातों में उनकी थोड़ी सी हार्शनेस होती थी बातों में. ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसे प्यार करती थी. दे हैड ब्रॉट अप हर सिंस द डे लक्ष्मी हैड वॉकड आउट ऑफ द हवेली. जिस दिन से लक्ष्मी हवेली छोड़कर गई थी उस दिन से उन्होंने जो है लक्ष्मी को पाला पोसा. एंड केप्ट अ सीक्रेट आई ऑन हर एज दे डिड ऑन देयर ओन चिल्ड्रन. और बिल्कुल वैसे ही आंखें रखती थी जैसे अपने खुद के बच्चों पर. नेवर अलाउइंग हर टू प्ले इन द स्ट्रीट्स. कभी भी उसे जो है सड़कों पर नहीं, गलियों में नहीं खेलने देती थी. विजय फाउंड सीता अ विलिंग स्लेव. विजय को तो एक जो है एक तरीके से एक अपनी इच्छा से काम कराने वाला गुलाम मिल गया था सीता के रूप में. शी बुलेट हर पुल्ड हर हेयर बट इफ एवर सीता गॉट इन टू अ बैड मूड. वो उसके बाल खींचती. ठीक है, लेकिन जब कभी सीता का मूड खराब हो जाता विजय ब्राइब्ड हर विद टॉफीज एंड टॉय. तो विजय जो है उसे लालच दे दी टॉफीज का, खिलौनों का. शी प्रिफर टू ऑल द अदर चिल्ड्रन टू द हवेली. वो सभी बच्चों के साथ में ऐसा ही करती थी. परी लॉक द स्टोर रूम देन केम एंड सेट डाउन इन द किचन. परी जो है स्टोर रूम को बंद कर कर आती है, किचन में बैठती है. इट वॉज नाइस एंड वॉर्म इन साइड. अंदर काफ़ी गर्म था. परी जी जस्ट लुक एट सीता, हाउ स्टबॉर्न शी हैज़ बिकम इन स्पाइट ऑफ माई टेलिंग हर टू गेट अप. शी सिट्स देयर सल्किंग, सेट चंपा ट्राइंग टू पुल सीता अप बाय द हैंड. अब चंपा जो है सीता का हाथ खींचती हुई कहती है, देखो परी जी ये कितनी स्टबॉर्न हो गई, कितनी जिद्दी हो गई है. ठीक है, और कैसे चुपचाप बैठी है जबकि मैं इसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ. बाई लीव मी अलोन, आई डू नॉट वॉन्ट टू वॉश माई फेस. बाई मुझे छोड़ दो, सीता कहती है, मैं अपना मुँह नहीं धोना चाहती हूँ. फाइंड द गर्ल एंड फ्रीड हर एंड फ्रॉम मेड्स क्लैप्स. और अपना हाथ छुड़ा लेती है नौकरानी से. डू यू थिंक आई केयर इफ़ यू आर कवर्ड विद सोर्स, चंपा स्नैप्ड बैक. बट वेन लाई स्क्रॉल इन योर हैंड एंड योर फेस इच इज डोंट कम क्राइंग टू मी, आई एम फेड अप विथ यू. अब बोलते हैं कि तुम क्या चाहती हो, मैं ये चाहती हूँ कि तुम जो तुम तुम्हारा मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ कि तुम तुम्हारा मुँह जो है धो लो, और धब्बों से तुम्हारा मुँह जो है धो लो, मैं इसकी परवाह नहीं करती हूँ. लेकिन जब तुम्हारा चेहरा जो है खुजली आने लग जाए, तुम्हारे चेहरे पर खुजलियों से भर जाएगा, तब तुम मेरे पास में मत आना रोती हुई. स्टॉप नैगिंग हर चंपा, लेट द सन ग्रो अ लिटिल वार्मर, देन शी विल गेट अप. डोंट यू सी शी इज कोल्ड, सेड गीता इन अ स्टर्न वॉइस. अब गीता जो थोड़ी सी सख्त आवाज़ में बोलती है
कि चंपा इसको छोड़ दो, देख नहीं रही हो बहुत ठंडी है, थोड़ा सा गर्म होने दो, सूरज निकलने दो। शी वॉज डिस्ट्रैक्टेड हर माइंड ऑन वॉट विजय हैड सेड एंड शी लेफ्ट फॉर स्कूल। अब उसने अपना ध्यान हटा लिया था और विजय जो है स्कूल के लिए जा चुकी थी। परी गॉट अप टू वार्म हर हैंड्स ओवर द किचन फायर, देन वेन शी सॉ चंपा लीव इन अ हफ एंड सीता कंटिन्यू टू सिट देयर, शी वॉज शी सेड बिन्नी जी आई नो यू लव सीता बट शी मस्ट नॉट बी स्पॉइल्ड। अब जब चंपा वहाँ से चली जाती है तो परी उठती है और बिन जाकर गीता को कहती है कि मुझे पता है बिन्नी जी आप सीता से प्यार करती हो, लेकिन उस इस तरीके से जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, आफ्टर ऑल शी इज़ ओनली अ सर्वेंट चाइल्ड, है तो वो एक नौकरानी की बेटी ही, एंड विदाउट अ मदर टू केयर फॉर हर, उसकी माँ भी नहीं उसकी देखभाल करने के लिए। इफ़ शी गेट्स यूज टू अ सॉफ्ट लाइफ शी विल सफ़र लेटर ऑन, अगर उसे ऐसे आराम की ज़िंदगी की आदत पड़ जाएगी तो आगे उसको मुश्किल होगी। बिसाइड शी मस्ट लर्न टू ओबे अस द मेट्स, बल्कि उसे तो जो है हम सबकी जो है इच्छा मानने की आदत पड़ जानी चाहिए। आई सपोज यू आर राइट परी जी सेड गीता अपजेंटली, अब गीता माफ़ी मांगते हुए कहती कि हाँ मेरे ख्याल से आप सही हो परी जी। द साइट ऑफ द हडल्ड गर्ल सीम टू पुट परी इन अ रेमनिस्ट मूड, विथ अ फेयरवेल लुक इन हर आई शी सेड बिन्नी जी आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे 5 years अगो, आई कैन स्टिल हियर कंवर साहब्स डीप वॉइस सेइंग गेट आउट ऑफ माई साइट यू रास्कल हीरालाल। अब जब फिर परी बोलती है कि बिन्नी जी 5 साल पहले का वो दिन मैं अभी भी नहीं भूली हूँ जब कंवर साहब ने कहा था हीरालाल को कि बदमाश तुम यहाँ से चले जाओ, यू गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के लिए ठीक नहीं हो। हीरालाल स्टूड ट्रैवलिंग बिफोर हिम, हीरालाल उनके सामने जो है कांपता हुआ खड़ा रहा। यू हैव बिट्रेड माई ट्रस्ट, तुमने मेरे विश्वास का धोखा दिया, तुमने मेरे विश्वास का धोखा दिया है। हीरालाल डू यू हियर मी, हीरालाल क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो। गेट आउट ऑफ दिस हवेली, इस हवेली से बाहर निकल जाओ। एंड नेवर अगेन शो योर फेस, और फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। डिड आई ब्रिंग यू अप फ्रॉम अ चाइल्ड दैट यू डेयर टू टेक द ऑनर ऑफ एन इनोसेंट वुमेन, क्या मैं तुम्हें इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था कि तुम एक मासूम औरत का फ़ायदा उठाओ। बिन्नी जी यू वुड हैव सीन कंवर साहब जेंटल फेस स्वेप्ट विद एन एंगर, बिन्नी जी आपने उनका कंवर साहब का चेहरा देखा होगा कितना जो है गुस्से से भरा हुआ था। ही कुड हार्डली स्पीक, वो तो बोल भी नहीं पा रहे थे। ही वो सो एंग्री, उनको इतना गुस्सा आ रखा था। बट हीरालाल फ्लंग हिमसेल्फ एट हिज फीट एंड हेल्ड देम सॉबिंग, लेकिन हीरालाल उनके कदमों पर गिर गया रोता हुआ। फॉरगिव मी अंदाता, अंदाता मुझे माफ़ कर दो। गिवर ऑफ ब्रेड, तुम आप ही मेरे को रोटी देने वाले हो, उसने माफ़ी मांगी। आई मेंट नो हार्म, यू कैन किल मी, यू कैन डू वट यू लाइक विथ मी, बट आई विल नेवर लीव द हवेली, बोले कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, आप चाहो तो मुझे मार दो लेकिन मैं हवेली कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। इट इज़ बेटर यू थ्रो मी टू द वल्चर्स देन डिसमिस मी फ्रॉम योर सर्विस, आप मुझे चील कौओं को खिला दो लेकिन मुझे अपनी नौकरी से मत निकालो। परी कुड सी नो मोर, शी बर्स्ट आउट क्राइंग, अब परी जो है ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती है, वो रोने लग जाती है। गीताज आइज वर ऑल्सो हैवी विद द अनशेड टीयर्स, शी गल्प डाउन द लंप इन हर थ्रॉट, अब गीता की आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी और वो जो है अपने थूक निकल जाती है गले में से। वॉट इज़ द गुड फॉर क्राइंग जी जी सेट ख्याली, इट इज़ ऑल ओवर नाउ, भले रोने का अब क्या फ़ायदा है जी जी, ख्याली ने कहा अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। हीरा लाल इट इज़ नॉट द सेम मैन सिंस द डैडी, हीरा लाल वैसा अब आदमी नहीं रहा। ही नेवर लिफ्ट्स हिज आइज व्हेन अ वुमन इन एनी वेयर नियर हिम, जब हीरा लाल कभी अपनी आंखें भी ऊपर नहीं करता है जब कोई औरत उसके आसपास होती है। ही गोज़ अबाउट हिज वर्क क्वाइटली, चुपचाप अपना काम करता है। इवन विद अस मैन ही कीप्स अ डिस्टेंस, बल्कि आदमियों के साथ में भी एक डिस्टेंस से बात करता है। ही सेल्ड रिफ्लेक्टिवली स्टेयरिंग द लेंटेंस ऑन द फायर, अब जो है उसके ऊपर दाल चढ़ाते हुए बोलता आग के पर। यस ख्याली हीरालाल हैज़ गॉट हिज पनिशमेंट बट वॉट अबाउट पुअर लक्ष्मी सॉफ्ट परी, अब परी से सकते हुए बोलती है हाँ ख्याली हीरालाल को तो उसकी सज़ा मिल गई लेकिन बेचारी लक्ष्मी का क्या। इन विच वर्ल्ड डू यू वुमेन लिव, ख्याली आस्ट विद अस नीर, अब ख्याली बोलता है कि तुम औरतें कौन सी दुनिया में जीती हो। लक्ष्मी इज़ फ्लरिशिंग, आई टोल्ड यू आई सॉ हर इन हाथीपोल दैट डे, मैंने कहा था ना लक्ष्मी जिंदा है, मैंने देखा था उसे हाथीपोल में। आई कुड नॉट रिकोगनाइज हर एट फर्स्ट, पहले तो मैंने उसे पहचाना नहीं। शी हैज़ ग्रोन सो फैट, वो बहुत मोटी हो गई है। वैन आई ट्राई टू स्पीक टू हर शी प्राउडली टर्न हर हैड अवे, लेकिन जब मैंने उसे बात करने की कोशिश करी तो उसने सर मोड़ लिया। यू शुड हैव सीन हर आइज,
आपको उसकी आंखें देखनी चाहिए थी। सीदिंग विथ हेट एज शी लुक्ड एट मी, उसकी आंखों में गुस्सा था जब वो मेरी तरफ देख रही थी। बट कमरानी सा कंटिन्यूज नॉट टू बिलीव मी वैन आई टेल हर डैट शी विल नेवर एंटर द हवेली गेट्स अगेन, लेकिन कमरानी सा मेरे पर विश्वास ही नहीं करती है जब मैं बोलती हूँ कि वो कभी हवेली नहीं आएगी। गीता ओनली हाफ लिसन टू द सर्वेंट्स, हर फेस वॉज सीरियस एंड हर लिप्स व टाइटली प्रेस टुगेदर। अब गीता जो है आधी बातें सुनती है, उसका चेहरा काफ़ी गंभीर हो जाता है, उसके होंठ जो है पूरी तरीके से गुस्से से दबे हुए होते हैं। शी लुक्ड अक्रॉस द कोर्ट यार्ड, हर आइज रेस्टिंग अ वाइल ऑन द कर्ल्ड अप बडल ऑफ फ्लैश ऑन द वरांडा। अब उसकी आंखें जो है एक आंगन की तरफ दौड़ती है, उसकी आंखें जो है थोड़ी सी देर के लिए उसकी तरफ अपनी मोड़ती है जब बंडल ऑफ फ्लैश ऑन द वरांडा, वरांडा के ऊपर जो है वो बिल्कुल इस तरीके से मांस का बंडल पड़ा हुआ था। देन शी सेट अप इरेक्ट एज इफ शी नो लॉन्गर कुड कंटेन हर थॉट्स एंड सेट विथ क्वाइट अथॉरिटी, परिजी सीता मस्ट गो टू स्कूल। फिर एकदम से खड़ी हुई होती है, वो फ्लैश का मतलब यहाँ बेटा सीता के लिए है, ठीक है, बंडल ऑफ फ्लैश मतलब कि मांस का बंडल। सीता एकदम सिक्योरिटी भी बैठी थी ना, इसलिए अब वो एकदम से खड़े होकर सीधे बोलती है परीजी सीता को स्कूल जाना चाहिए। परी स्टार्टेड ओपन माउथ एज द यंग मिस्टर्स एवे समवन हैज स्ट्रक द मेज ऑन द हेड। अब परी एकदम चुपचाप से गीता को देखती रहती जैसे उसको सर पर किसी ने मार दिया हो। द कुक क्वाइटली वेंट इनसाइड द किचन एंड स्टियर्ड द दाल ऑन द फायर। अब नौकर भी चुपचाप से ख्याली भी अंदर चला जाता है और दाल देखने लग जाता है। आफ्टर द इनिशियल शॉक परी पुल्ड हरसेल्फ टुगेदर एंड सेड डिसिवली, मिनी जी सीता इज अ चाइल्ड ऑफ अ सर्वेंट, शी कैन नॉट गो टू स्कूल। फिर उसके बाद में परी बोलती है कि बिन्नी जी सीता एक नौकर की बेटी है, वो स्कूल नहीं जा सकती है। गीता लुक्ड एट द मी डेफिनेटली, हर वॉइस क्वेट विद एंगर एज शी सेट विजय गोज टू स्कूल एंड यू डू नॉट ऑब्जेक्ट, वाई शुड नॉट सीता। फिर एकदम से गुस्से से गीता बोलती है कि विजय स्कूल जाती है तो सीता क्यों नहीं जा सकती, जब आपने विजय के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो सीता पर क्यों। विजय भाईसा गॉड ब्लेस हर इज द डॉटर ऑफ दिस हवेली, कि विजय भाईसा तो इस हवेली की बेटी है। हाउ डेयर एनीवन पॉइंट एट फिंगर एट हर, शी हैज़ द प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ एंड फैमिली, वट द सीता है कि उसके ऊपर विजय भाईसा के ऊपर कोई उंगली कैसे उठा सकता है, उसके पास संपत्ति है परिवार है लेकिन सीता के पास क्या है। शी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, सीता को तो बाहरी दुनिया से बचाना होगा बिन्नी जी। यू डू नॉट येट नो उदयपुर एंड इट्स कस्टम्स, आप अभी भी उदयपुर और उसके रीति रिवाजों को नहीं जानती है। सीता हैज़ टू मैरी, सीता की तो शादी होनी है। लीव हर टू अस, हम सीता को हमारे पर छोड़ दो, द सर्वेंट्स नौकरों के ऊपर, वी नो वॉट इज़ बेस्ट फॉर हर, हमें पता है उसके लिए सब अच्छा क्या है। परी स्पोक विद अनयूजुअल ब्लंटनेस, आप एकदम से परी जो है एक असाधारण से तरीके से एकदम से बोल देती है। तो बेटा हमने पेज नंबर 66 और 67 कंप्लीट कर लिया है एंड टुमारो वी विल स्टार्ट पेज नंबर 68 एंड 69। ओके स्टूडेंट्स, आप समझना इसको एक बार रीड करना घर पर, नहीं कुछ समझ में आता है तो मेरे से पूछना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।